सरकार जो प्रिंसीपल सर मेरे अध्यापक साथियों ते प्यारे बच्चों ताड़ा बहुत धन्यवाद है कि तुसी अज समा कढ़ के आए हो ते उतों भी वध धन्यवाद है कि तुसी आराम नाल बैठे हो कि असी सच्ची ही आराम नाल बैठे हैं ते सानूं मजबूरी च बिठाया गया है। इहदा जवाब तुसी अपनी अंदर आत्मा तों पुछ के लै लिओ। हुण इह एक बच्चा गाना गा के गया है कि ब्लॉग पाउण दे वास्ते साडे कोल मोबाइल है पर सानू उह लिखा है कि असी नैट तों अपने शहीदां बारे अपने इतिहास बारे पढ़ सकीए। ब्लॉग की मैं गल करा ब्लॉग उस बंदे का भी बन जाता है जिन्हों असी अर्थी ते फूकण लै जांदे आ उहदा भी अगे कैमरा लैके ब्लॉग बनाते हैं। अज का जो नौजवान है इन्हों अपनी प्राप्ति समझ रहा है। सड़क पर कोई दुर्घटना हो गई है उहदे कोल बोलिया नहीं जा रहा, वो इशारा कर रहा कि मैनू चक के लै जाओ। उहदे मूँह दे विच कैमरा ठो ठो के ब्लॉग बनाते हैं। ये रियलिटी है। अपनी प्राइवेट लाइफ का सत्यानाश कर दिता है। स्कूलों के विच कालजां दे विच कई वीडियो वायरल होंदियां है। ये गल्लां तुहानू शोभा नहीं दिंदियां। सो इस गाने तो तुसीं मत लैनी है। शहीद भगत सिंह की गल करन तो पहले मैं जे डड्डू की कहानी तुहाडे नाल शेयर करांगा तुहाडे ते पूरी टुकेगी। वैज्ञानिकां ने बड़े साल पहले एक्सपैरिमेंट किया कि पानी गर्म कर किया है उहदे विच डड्डू नूं डुबोता। डड्डू का पता है ना फरोग कहिंदे आ नूं, ठीक है जे पंजाबी च नहीं पता। तो उन्हों पानी में जो उबालते हैं गर्म करते हैं थोड़ा थोड़ा पानी का तापमान बढ़ता है वो की करता है अवेकला होकर सुता रहता है। उन्हें लगता है कि थोड़ा जहा ही गर्म है क्योंकि उन्होंने कुदरत ने एक मकैनिज़म दिता जिदे नाल वो तापमान ज़्यादा हो अपनी बॉडी के अबजॉर्ब कर लेंदा, ठीक है। फिर होर तापमान बढ़ता है होर अवेसला होकर सो लैंदा अपने आप को सहंदा रहिंदा उस गर्मी में। फिर थोड़ी बहुत कोशिश करता है पर जो तो तापमान इन्ना ज़्यादा लंघ जाता है तो वो टप्पिया नहीं जाता वो उबल के सड़ जाता है। सो ये तो सानू यही सिक्ख्या मिलती है कि सहना जुलम हो रहा है, समा लंघ रहा है, असी उन्हें सह रहे हैं। पर कई बार इदा होंदा है जुलम की दलदल च असी ऐसे धस जाते हैं उदा कोई साडे कोलों तोड़ नहीं हुंदा। सो इन्हां शहीदां ने सानू इस जुलम की दलदल चों कढ़िया है। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह ने भी कहा सी कि जुलम करना पाप है ते सहना भी पाप है। पर जे असीं अपनी ताकत नूं नहीं पछाणदे ते असीं अपने आप नाल नहीं अपनी कौम नाल अपने आने वाली जनरेशन नाल जुलम कर रहे हैं। हुण इत्थे छोटे बच्चे बोल के गए हैं तोतली आवाज़ दे विच दो शब्द बोल के उन्होंने सह चढ़ जाता स्टेज पर बोलना जी बड़ी वही गल है हौली हौली ये चीज़ आती है। पर साढ़े को प्लस वन प्लस टू के होनहार विद्यार्थी बैठे है पर इन च हिम्मत नहीं है इतने चार शब्द बोलीए ये सिर्फ पिछे ताड़िया मार सकते हैं, ठीक है। सानू इसलिए साढ़े जोड़े नायक है वो खत्म होंगे जा रहे हैं क्योंकि साढ़े यूथ में ये गल नहीं रही। इसलिए छोटे बच्चे गह बद के हौसला कर रहे हैं पर जे तुसी उन्हां दा साथ नहीं दोगे तो वह भी कल नूं हिम्मत नहीं करेंगे। आने वाले समय के तुहानूं यह भी नहीं पता होगा कि साडे इतिहास में बदलिया जा रहा है। साडियों बुक्स के कई गलत प्रिंटिंग हो रही है तुहानूं उहदे नाल कुछ लैण देण नहीं है क्योंकि तुहाडे वास्ते पढ़ाई की किन्नी वैल्यू है तुसी खुद जाण सकदे हो। तो आने वाले समय का वो दिन दूर नहीं है जदों तुहाडे लई मैं कहांगे इतिहास कोई बाहरले आ जाएगा किसी अंग्रेजी शासक की हिस्ट्री आ जाएगी साडे शहीदां का सारा कुछ भुलाया जाएगा क्योंकि ये कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। बंदूकों बीजन वाला एक मैं कहानी पढ़ी सी छोटी क्लास के भगत सिंह जी करता है बंदूक लैके खेत के मिट्टी में दबदा है तो वह बापू कहता है कि कर रहे हैं उसकी उम्र न्याणी सी पर सोच सी कि जे एक दाणा असी कणक या मक्की का पही है तो उतो हजारा दाने तैयार हो जाते हैं तो जे मैं एक बंदूक में बीजागा तो हजारा बूक बंदूक निकलनगियाँ।
ਸੋ ਇੰਨੇ ਜੋ ਜ਼ਾਲਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਐਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀਰੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਫਿਲਮੀ ਹੀਰੋ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਗਾਇਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਖੂਬੀ ਜਾਣੂਗੇ। ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ, ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਬਣਾਓ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਭੀੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਲਾਚਾਰ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਪਛਾਣਨੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ, ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਨਿਊਜ਼ਾਂ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਆਹ ਧਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੁਜ਼ਦਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੱਜ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਵਿਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।